ओके सो क्लास 12 अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स है एंड आई एम एज यूजुअल आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोस. मुझे पता है आप लोग ये वीडियो नहीं देखोगे. स्टिल नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज मोस्ट प्रोबेबली योर 9th और 8th चैप्टर इन योर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी. इसके पहले जो था वो भी पूरा का पूरा क्लास रिकॉर्डेड है और प्राइवेट लिंक में भी नहीं है, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, लाइक क्लास 1, 2, 3 एवरीथिंग. नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारे 3 चैप्टर्स और बचते हैं, 3 to 4 चैप्टर्स इन इंडियन एंड 2 चैप्टर्स और मोस्ट प्रोबेबली 1 चैप्टर इन मैक्रो. सो मोस्ट प्रोबेबली 5 चैप्टर्स 2-6 चैप्टर्स टोटल ऑल इन ऑल बचे हमारे. देन विल स्टार्ट विद द रिविजन, दैट इज इस मंथ के एंड तक विल कम्प्लीट 90% ऑफ आवर सिलेबस एंड नवम्बर आपके जो लाइव एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें यू विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड आपका काफी सारा सिलेबस कम्प्लीट हो रखा होगा, तब अच्छे से अपना एग्जाम्स ऑफ कोर्स दे सकते हो. नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? नाम से अगर आपको बेसिक चीज समझ आ रहा होगा, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन यानी कि लेबरर्स, लेबरर्स एज इन ऑल द लेबरर्स, द फिजिकल वंस एज वेल एज द मेंटल वंस. तो एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर ईयर में या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बेसिस पे कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी वैरी करता है एंड वो भी एक एस्टेब्लिश्ड वे में रहता है. सो व्हाट वी आर गोना स्टडी इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, हाउ इज इट फॉर्म और उसके फॉर्मेशन से कंट्री में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ओके नाउ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल थिंग एज वेल. अब देखो बेसिक चीज अगर मैं बोलू तो कोई भी कंट्री में दो सिंगल टाइप के या दो डिफरेंट टाइप के मैं बोलू तो क्या चलते हैं बताओ? इंटेंसिटिविटी. जैसे कि एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव. ओके नाउ कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्किल होता है, लोग कंट्री काफी डेवलप्ड है एंड व्हाट पीपल टेंड टू डू, पीपल टेंड टू डू मोर एंड मोर लाइक मशीनरी थिंग. यानी कि किसी कंट्री में बहुत ज्यादा मशीन्स है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनका, तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा काम मशीनरी से करवाते हैं. और कुछ कंट्रीज होती हैं जो थोड़ा पीछे होती हैं लेकिन उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होता है, तो वो कंट्री हो जाती है लेबर इंटेंसिव. वहां पे चीप यानी सस्ते अमाउंट में, सस्ते रेट में लेबरर्स ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं. हमारी कंट्री जो है वो है एक लेबर इंटेंसिव कंट्री, यानी हमारे कंट्री में मशीन से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं एंड दैट टू इन चीपर रेट, तो व्हाई नॉट टू प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. नाउ दिस इज नॉट द फैक्टर, दिस इज नॉट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज समथिंग कॉल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. वी आर गोना स्टडी, वी गोना टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मैंने पहले लेबर के बारे में बता दिया ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सको. एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है उन स्टॉक को या उन लोगों को या फिर उस रिजर्व को जहाँ पे स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ये दोनों भी चीजें मौजूद हो एक पर्टिकुलर पीरियड में या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में. यानी कितने स्किल्स, कितना एक्सपर्टीज अलग अलग प्रोफेशनल लोगों का, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों का या फिर ऑफ कोर्स द वर्कर्स एंगेज्ड है किसी भी पर्टिकुलर टाइम प्रोसेस में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और आप देखो ह्यूमन रिसोर्स हर जगह इंपॉर्टेंट है. आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा. बट क्या ये सब कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखाई दिया था? दो, सबसे पहला लेबर और दूसरा एंटरप्रेन्योर, दोनों भी ह्यूमंस हैं. ओके एंटरप्राइज इज पर्टिकुलरली द पॉइंट, एंटरप्रेन्योर इज द माइंड हु कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग, बट वो भी तो इंसान है. आप जमीन खड़ा कर दो, आप लेकर के आ जाओ मशीनरीज, कोई भी प्रोडक्शन चलेगा ही नहीं अगर क्या नहीं है वहां पे, अगर पीपल आर नॉट देयर टू प्रोड्यूस थिंग्स अप, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. हमेशा मैं बोलती हूँ अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो एक प्रोफेसर का डेफिनेशन आपको लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होता है, Whenever you write the answers, आप बहुत ही quoted way और clear way में अपने answer को present कर सकते हो and the examiner will be really more than happy to see that answer. So yeah, it's a presentation tip for you.
Now, human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over time. मैम तो क्या इंसान लोग को स्टॉक की तरह गोडाउन में जमा करना है? ऑफ कोर्स आंसर इज नो. आप एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग हैं या कितने ज्यादा पीपल हैं हु आर देयर, ओके, एंड लर्निंग स्किल्स, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने अंदर एक्सपर्टीज को ला रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट बन रहे हैं किसी चीज में. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. स्टॉक एक कंट्री में लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे. फाइन, यहाँ पे बोर्ड ऑफ अ नेशन कंसिस्ट्स ऑफ 10,000 स्किल वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2018. फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है जहाँ पे 10,000 लोग एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, अच्छे है, ओके, 2018 के बिगिनिंग में. एंड इफ एट द बिगिनिंग ऑफ 2019 इंक्रीजेस टू 12,000 स्किल्ड वर्कर्स, इम्प्लाइंग एन इंक्रीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बाय 2,000 वर्कर्स इन अ ईयर, देयर इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 स्किल्ड वर्कर्स इन द ईयर 2000, सॉरी. तो क्या बोला कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो कि एक कंट्री है, ओके. नाउ दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज व्हाट, दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज 10,000 स्किल्ड लेबरर्स और 10,000 स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सपोज इन द बिगिनिंग ऑफ 2018, एंड ठीक एक साल बाद वो 10,000 से 12,000 हो जाता है. तो वी कैन टेल कि 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में 2,000 का एड ऑन हुआ है. ये आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नथिंग मोर. ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से अलग है दोनों भी चीजों, इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही वो लेबर इंटेंसिव आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था. अब देखो, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल तीनों भी डिफरेंट चीजें हैं. तीनों को मिक्स करने की गलती करना मत. एक एक करके समझेंगे तीनों है क्या, अपने आप डिफरेंस निकल करके आ जाएगा. फिजिकल कैपिटल क्या है? रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो. प्रोड्यूस्ड means of production, that means what are produced in an economy, okay. Stock जो आपके physical capital measures का है एक country में, physical चीजों का है, use करने वाली चीजों का, when I'm talking about things, it's called physical capital, like machinery, okay, these things. Financial capital, working capital होता है जिससे आप ओके जिससे आप फिजिकल कैपिटल खरीद सकते हो, ओके, आप या फिजिकल कैपिटल को बेच के या उसके बदले में आपको जो मिल सकता है, वी कैन कॉल इट पेपर कैपिटल आल्सो, पीसा, ओके, जिससे बिजनेस चलता है. एंड ह्यूमन कैपिटल जो अभी आप पढ़ रहे हो, टाइम टू टाइम वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, दैट इज द पीपल इन द इकोनॉमी, पीपल इन द कंट्री, ओके, हु आर देयर, हु आर यू नो who work in the production process to produce things with their skills, with their technology or with their techniques, those are called human capital, log, okay. Now determinants or sources of human capital formation kahan se aata hai ye jo capital formation, humans to itne hai, but human capital formation jo kaam kar sakte hain, the people who can really work, ye cheez kahan se form up ho sakti hai wo hum dekhenge, okay. Okay, so the first point being expenditure on education. पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो skill आएगा, वरना कहाँ से आएगा, right? So expenditure education के ऊपर is the most effective way जहां पे आप productive workforce को enhance या increase कर सकते हो country में. ज्यादा से ज्यादा जो अपनी फैमिलीज होती है वो मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंड करती हैं किनके ऊपर, ओवर द स्टूडेंट्स और ओवर द चाइल्ड चिल्ड्रन इन देयर फैमिली, ताकि वो लोग क्या कर सके, ताकि वो लोग रेज हो सके एज विद गुड वैल्यूज, विद गुड टेक्निक्स इन देम, राइट. सबसे ज्यादा खर्चा इन्हीं के ऊपर होता है, भले खुद कम कमाएंगे, कम लाइफस्टाइल में कैसे कैसे भी रह लेंगे, बट बच्चों की फ्यूचर के संग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते बच्चों का फ्यूचर, ओके. तो एजुकेशन एक इंडिविजुअल को एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, ऑफ कोर्स पूरे टाइम उसको अच्छा वैल्यू देता है, राइट. एंड दिस इज द बेसिक इनिशियल एक्सपेंडिचर. देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आपका हेल्थ ढंग का नहीं रहेगा तो आप पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर सकते हो, राइट. तो फिजिकल बॉडी माइंड सबको फ्रेश और गुड रखना पड़ता है, साउंड बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है. दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ रेफर्स टू. जब आप अच्छे यू नो
फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क. और एल्स अगर आलसी हो, बीमार हो, कमजोर हो अंदर से, हाउ विल यू वर्क? ओके, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज. ही एड्स मोर इफ अ पर्सन इज फिट. वो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन प्रोसेस पे ध्यान करेगा, जिसकी वजह से GDP एनहांस होगा एज कम्पेयर टू अ सिक पर्सन. On job training, देखो there are different types of training, okay, but the best and the most essential, helpful is on job training. For example, if you are graduated, suppose करो, you got a job. Now you know things, you have learned things, but you don't know how to do it practically, क्योंकि इतने time से तो आप theoretical knowledge पे थे, practical knowledge तो आपको अंडा है, zero, शून्य, okay? तो अब आपको अगर मैं फिर से बिठा करके एक ट्रेनिंग रूम में आपको ज्ञान दूं, लेक्चर दूं, तो अगेन आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, स्किल नहीं बढ़ेगा, आप काम नहीं सीखोगे. काम सीखने के लिए अगर मैं आपको फ्लोर पे उतारूं, जहां पे एक्चुअली काम हो रहा है, वहां पे देखोगे आप, अपने नॉलेज को वहां पे रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने ट्रेनिंग पीरियड को याद करोगे, आप उस ट्रेनिंग को अपने काम में लगाओगे ऑन फ्लोर, तभी तो काम सीखोगे. मैं तुमको खाना बनाना अगर रेसिपी पे रेसिपी बुक देती जाओ देती जाओ देती जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझ सकती हो, करना तब तक नहीं आएगा जब तक गैस जला के खुद कढ़ाई में हाथ नहीं चलेगा. दैट्स द थिंग. साइकिल चलाने का मैं तुमको वीडियोस दिखा दी, मैं तुमको बता दी ऐसे होगा वैसे होगा, तब तक खुद साइकिल नहीं चलाओगे, आएगा ही नहीं साइकिल चलाना, राइट? दैट्स द थिंग. Then we have study programs for adults. Alag alag different organizations try to, you know, put seminars, webinars, logo ko educate karne ke liye, chahe wo primary ho, secondary ho, university ho. Ye sare ke sare different different programs kiye jaate hain, taki jo log sahi mein padh hi nahi paaye apne time pe, unki productivity ko thoda enhance kiya jaye. Fine. Isse kafi help milta hai unko. Migration. Migration kya hota hai, dekho. Actually, from out, people are coming in our country, fine. So what happens is, migration contributes to human capital formation. Why? Because people add on ho rahe hamare country mein. Ab migration mein cost hota hai. Kya kya? Cost of transportation from one place to another. From one place, persons are traveling to another place. Okay. So it involves the cost of transportation for moving from one place to another. Then आप किसी अलग एनवायरमेंट में सेटल होना शुरू कर रहे हो तो ऑफकोर्स दैट वुड इंक्वायर सम कॉस्ट. फिर भी लोग अच्छे जॉब के लिए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर माइग्रेट करते रहते हैं. देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. नाउ इन शॉर्ट, अगर मैं आपको एक बेसिक बात बोलूं, अगर आप अपना गूगल रिचार्ज नहीं करते, दैट इज अपने जियो का रिचार्ज या फिर वट एवर रेस्पेक्टिव फोन यूजर्स यू आर यूजिंग, टू एयरटेल, वोडाफोन, वट एवर इट इज, आप अगर एक टाइम पीरियड के बाद अपना रिन्यूअल नहीं कराओगे रिचार्ज पैक का, क्या आप अपने फोन से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो? द आंसर इज नो मैम. क्या बोल रही हैं, पागल है क्या? ऑफकोर्स नहीं कर सकते हो. जब आपके हाथ में इंटरनेट एक्सेस होता है तब आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो. क्या बात करिए, हम लोग तो चैटिंग करते हैं, डजंट मैटर, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. हाँ या ना? द आंसर इज यस. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, टू अक्वायर इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू रिक्वायर सम कॉस्ट. ओके, सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब, मार्केट, एजुकेशन, ये सब कुछ ठीक है आपको बिल्कुल मिल सकता है, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोडक्टिव होना पड़ता है. अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है. Whenever you are gonna learn something, whenever you're going into something, you require information, and that requires expenditure always. Then we have role of human capital. Okay, how does it work? Human capital formation ka role actually kya hai hamare economy ke growth ke liye? Please, if you have physical books, give us the star mark, because this is an important question which can come for like 5-6 marks, and you have to write the answers. Okay, so make sure aap isko mark kar rahe ho. And now, change in emotional and material environment of growth. Ab dekho, dhyan se baat ko samjho mere. Ye jo human capital formation hai, iske baare mein humne padha, kya hai, kaise hota hai, kahan se source hai, ye sab humne padha. Ab ye
हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सो अपने विजन को पहले तो क्लियर रखो, खुद से सोचो कि हाँ भाई कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे एड ऑन कर सकता है। अपने खुद से कुछ पॉइंट्स दिमाग में लेके आओ। ओके, अब इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो जो मैं पढ़ा रही हूँ, तब कुछ काम आएगा। चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, नाउ व्हाट इट इज, कैसे होता है, क्या मैं बोल रही हूँ, इसके ऊपर ध्यान देंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, कैसे, क्या बोल रही हूँ, इमोशनल मटीरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ मतलब सुनेंगे। इमोशनल एनवायरमेंट बिकम्स कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू अक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशंस। क्या बोलना चाह रहा है, फाइन, इमोशनल एनवायरमेंट बिकम्स कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू अक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशंस। बात को समझेंगे, देखो, व्हेनेवर यू आर वर्किंग एंड दैट टू इफ यू आर ह्यूमन, यू हैव मूड स्विंग्स। ओके, नाउ इन एनवायरमेंट वेर यू आर वर्किंग, यू ऑलवेज टेंड कि मैं किसी भी कंपनी में, इफ आई एम एंटरिंग टू, वट डू यू थिंक, यू थिंक कि मैं आज जिस पोजिशन पे हूँ आई विल बी इन दैट पोजिशन आफ्टर 5 years, और यू थिंक दैट आई विल ग्रो 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 एंड ग्रो, दैट इज द थिंग ऑफ कोर्स, राइट। सो पीपल aspire to grow, that is their mindset. So of course, initially, gradually, slowly, what happens is they start growing. Of course, when they gain experience, they start growing. Material environment becomes helpful to growth as the society now possesses higher number of skilled and trained workers to implement the plans and programs of economic growth. Material environment, क्यों क्यों? Because whatever company, whatever organization it is, it hires people who have high qualification. Maybe if suppose I am hiring, if I am hiring people in K plus, for example, suppose I want to hire 10 teachers, and once I have given that what to say, like I have opened for recruitment, people have came for interview, and of course things. Among 100, will I choose the average 10 or will I choose the best 10? The option is the best 10. So material environment helps into this, because when I choose the best out of it, I am thinking that to my organization, these 10 will add value. And of course, if they work properly, it will be economic growth. It will lead to economic growth. That's the thing. Higher productivity of physical capital. Now, see what physical capital was, I already told. The physical things, the tangible things like the plant, machineries, the buildings, these are the physical capital. The human capital formation increases productivity of physical capital. Physical capital is nothing if humans doesn't come to it. Because any machine is what? Machine is something which lessens up the ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स को जो कम कर दे, ईज कर दे उनका काम, दैट इज कॉल्ड मशीन। ओके, व्हिच मेक्स ह्यूमन का काम इजियर। तो ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग दैट इफ फिजिकल कैपिटल इज देयर, वो अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है इफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज गुड, राइट। स्पेशलाइज इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टनली हैंडल मशीन बेटर देन अदर्स। ऑफ कोर्स the technical persons can handle the technological things very nicely as compared to others, so it of course enhances the productivity. Then our innovative skills. Now creativity and innovation are the things which is right now very much important in any enterprise. Okay, if a person is not creative at all, do you think that uska business aage badhega? If a person is very monotonous, if that person is very rigid, nothing would happen, right? So this is the factor, this is the thing which involves always and all time monitoring. Innovation is something very important. Trained personnel can try creativity, they can, swap various things, they can mix various things, and then they can come towards it. So this is the factor. Next is higher rate of participation and equality. Now what happens, see this, by enhancing productive capacities of the labor force, human capital formation induces greater employment if people comes up and participate. Okay, so when productive capacities of labor force, productive capacities means the people who are working, their working capacity, okay,
if it enhances, if it improves, what will happen? Simply, human capital formation would be greater. It will be more. Higher the rate of participation, जितने ज्यादा लोग participate करेंगे, जितने अच्छे से participate करेंगे, उतना ही ज्यादा economic और social equality आते जाएगा. Problems facing human capital formation in India. What are the problems? What were the problems? Okay. Now we're going to see this. Human capital formation, agar itna achha hai, hamare country mein itna zyada population hai, toh fir why are we facing towards this problem? Ye dimaag mein touch nahi kiya? Of course. Sabse bada problem hai literacy. Theek hai? Now, see, the first problem mentioned here is rising population. Now, rapidly increasing population adversely affects the quality of human capital. Human capital quantity to badh raha hai, but kya quality badh raha hai? The answer is no. The quality is degrading day by day because per head availability of existing facility relating to housing, sanitation, drainage, water system, ye sab ek unit pe zyada log aa ja rahe hain. अगर कम लोग रहेंगे तो इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से होगा. ज्यादा लोगों के होने की वजह से ये सारी जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा लोगों में बढ़ जा रही है, विच ऑफ कोर्स रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. ब्रेन ड्रेन, जब लोग, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पर्सन बॉर्न एजुकेटेड ट्रेन्ड इन इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में चले जा रहे हैं उनके कंट्रीज को बढ़ाने के लिए, व्हाट्स हैपनिंग? हमारे कंट्री का वैल्यू डाउन हो रहा है. ऑफ कोर्स इमेजिन सुंदर पिचाई एमबीए इंडिया से गूगल संभाल रहे हैं, ही इज अ सीईओ एंड नॉट इन इंडिया. इंडिया का नाम जरूर रोशन हो रहा है, बट व्हाट हैपन, व्हाट्स हैपनिंग, ही इज नॉट हियर, राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, अंडरस्टैंड. आप पढ़ लिख के, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंट्री नहीं छोड़ते, हम अगर स्टेट का ही बात करते हैं, आप पढ़ लिख रहे हो एक स्टेट में, ठीक है, when you are working, you are not trying to improve employment opportunities, you are running for getting a job into some other state or city. What's happening? आपका सिटी डेवलप हो सकता है अगर आप चाहो तो, पर आप किसी और की सिटी को डेवलप करने में तुले हो तो फिर और क्या ही बोल सकते. That's the thing. Why to leave the city if you can do something then? Deficient manpower planning. Planning तो हमारे कंट्री में किसी चीज का भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है. Not enough efforts have been made to maintain the demand-supply balance of ever-rising labor force in the country. हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा सप्लाई है लेबर का, but क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेन को कभी मेंटेन ही नहीं किया गया ढंग से, इसके वजह से लेबर फोर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं. उनको क्या किया जाता है, उनको कम रेट में एक्सप्लॉइट किया जाता है. यू कैन इमेजिन, लोग ग्रेजुएट होके बैठे हैं बट देर आर नो जॉब्स फॉर देम, देर आर नो जॉब्स. सो पीपल हु आर टेलिंग दैट देर आर नो जॉब्स, दे आर नॉट लाइंग, इट्स ट्रू. देर आर लेस जॉब्स. व्हाई? बिकॉज़ वी पीपल इन इंडिया डोंट टेंड टू टेक रिस्क, वी डोंट अलाउ टू टेक रिस्क, वी डोंट टेक रिस्क. व्हाई? वी वांट टू डू अ 9-to-5 जॉब, वी वांट टू गेट अ सैलरी, वी वांट टू कम होम सेफ. We don't want to excel our minds into a business. We don't want to create opportunities. And the person who wants to do that, the particular person who wants to create opportunities as such, are called as slow-moving person or very, oh, achha, tumko to apna hi kamana hai. That mentality they put onto it. Mere naukri nahi mila to koi aise kar rahe. Of course, not that the case is. The case is something very different. Inefficient on-job training in primary sector. We have already told primary sector, secondary sector and tertiary sector. We have three different sectors. Okay. Primary sector basically agricultural part. वहाँ पे लोगों को training ढंग से मिलता ही नहीं है, इसकी वजह से उनको जो आता है वो अपनी capacity के हिसाब से काम करते हुए चले जाते हैं. And when they work into their capacity, hello. बहुत बड़ा चैप्टर है, शांति बनाए रखें. टिंग टोंग.
इनसफिशियंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर. ऑलरेडी आई सेड एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी सेक्टर, और उन लोगों को ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो उनके दिमाग में जितना स्किल्स है उसके हिसाब से ही दे वर्क. बट अगर उनको ढंग से प्रोफेशनल स्किल्स दिया जाए विथ द प्रॉपर इक्विपमेंट्स, हमारा एग्रीकल्चर और अच्छा हो सकता है. ओके, नाउ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. इसी को मेंटेन करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया हुआ है, देखते हैं क्या करता है वो. इन आर एंथुजियाज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन, वी हैव बीन ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटीज अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. Consequently, we have a large army of half-baked graduates and post-graduates whose deficient skills only lowers the level of efficiency and productivity. This also impairs our competitiveness in international market of human capital. लोग हम लोगों को इतना ज्यादा हायर स्टडीज के चक्कर में हम लोग बेसिक्स एकेडमिक स्टैंडर्ड को ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं. यूनिवर्सिटीज और ये सब कुछ है भी, तो वो लोग इतने अच्छे लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इतना अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वी एंड अप यू नो प्रोड्यूसिंग एवरी टाइम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हु आर नॉट इवन हैविंग द बेसिक स्किल टू डू देयर वर्क इन विच एवर फील्ड दे आर. 100 में कुछ लोग जिनका माइंड कुछ अच्छा सा होता है वो लोग निकल करके आते हैं एंड दे वर्क इनटू इट, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि 100 में से एक से काम करवाया जाए. 100 के 100 का स्टैंडर्ड ढंगा होना चाहिए, विच हैम्पर्स आवर इंटरनेशनल मार्केट. एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन ऑलवेज टेंड्स टू, एजुकेशन बेसिकली बचपन से आपके माइंड को इस तरीके से यू नो शेप अप देता है. आपके माइंड को एक शेप देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ह्यूमन रिसोर्स सॉरी विच एजुकेशन डज टू ह्यूमन रिसोर्स विच इज इंपॉर्टेंट. एजुकेशन का मतलब आपका टीचिंग ट्रेनिंग लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस होता है, और अगर वहीं पे स्टैंडर्ड डिग्रेड हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगा, तो व्हाट विल यू लर्न. स्कूल्स आजकल बच्चों को वो लेवल का पढ़ाई दे ही नहीं रहे, वरना उनको कभी भी ट्यूशन एंड ये सब में जाना ही नहीं पड़ता. 8 घंटे 7 घंटे अगर आप स्कूल में रह रहे हो तो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इफ यू हैव टू अगेन टेक ट्यूशन ऑफ 2-3 आवर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यू आर पेइंग मोर इन स्कूल लेस इन ट्यूशन, बट लर्निंग मोर इन ट्यूशन लेस इन स्कूल. व्हाई? इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है. सबसे पहला, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जगाता है एजुकेशन ही. साइंस टेक्नोलॉजी का नॉलेज एजुकेशन से ही आता है, देन ओनली पीपल डेवलप देयर इंटरेस्ट इन टू इट. इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन ऑफ द कंट्री. मतलब क्या बताता है कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज किन किन चीजों के लिए यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे उनका मदद कर सकते हैं, एंड देन इट सम्स इट अप. एक्सपैंड करता है लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का सोचने का माइंड अप. ठीक है, ये तो क्या. हाँ, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब क्या. नाउ सी, इफ आई से इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आप बोलो कि लोग पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट, यू अग्री टू दैट? ऑफ कोर्स यस मैम. नाउ if people are important towards the growth and development, their skill should be also developed, the skill should be also valuable. Of course yes. Now how will they improve their skills? Unka shape of mind kahan hota hai? Of course in the means of education. So that is the factor I'm trying to explain. It promotes cultural standard of the citizen. Cultural standard as in what? If you are living in a country like India, we have huge culture, huge tradition and everything. Okay, you tend to grow into it. तुम उससे ही सीख करके आगे बढ़ते हो. To take that culture somewhere, okay, as a citizen to carry it peacefully, education does that. आपका personality भी development होता है.
नॉट लाइक नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, यू कैन सी अलग अलग स्कूल के बच्चों को अगर मैं खड़ा करूँ, सबका पर्सनालिटी एक जैसा नहीं रहता है, एंड स्कूल टेक्स अ ह्यूज स्टेप इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बच्चा. क्यों? क्योंकि उसका ग्रुप मैटर करता है, उसका ग्रूमिंग स्किल्स मैटर करता है. एंड आई कैन बेट यू दो डिफरेंट स्कूल के बच्चों का पर्सनालिटी डिफरेंट ही होगा, एंड उनके ग्रुप के लोगों का पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, थॉट प्रोसेस भी सिमिलर होगा. दिस इज द डिफरेंस, एंड ये बचपन से मिलता है उनको. बड़े होकर के कोई गलत सही ये होता है, बट ऑफकोर्स उसमें डिफरेंस होता है, बट आपका नेचर आपको स्कूल से ही मिल जाता है. दैट्स डिफरेंट ऑफ डिफरेंट बच्चास. नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का घुसपैठी जरूरी है और है. नाउ दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट. कौन से सेक्टर? एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट. इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट को पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है. ओके, एक्सपेक्ट करना प्राइवेट इन्वेस्टर्स से कि वो हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन सब चीजों में पैसा लगाए, बेवकूफी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट लगता है. विच अ पर्टिकुलर प्राइवेट इन्वेस्टर वोंट डू, एंड इफ दे दैट पर्सन डज ऑल्सो, ही'ल चार्ज ह्यूज इंटरेस्ट रेट. ओके, Which people could not afford. तो किसको आना चाहिए पिक्चर में? सरकार. People in a poor country like ours cannot afford high price, of course. And अगर private investors आकर के invest करेंगे, they will charge high price. Private school, government school, दो दो चीजें आपको पता है. Private school, government school, दो चीजें आपको पता है. आप क्या बोलेंगे? Government वाले में जाओगे, सस्ता पढ़ाई मिलेगा, थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे रहेगा पर मिलेगा. क्यों? प्राइवेट वाले भी उतने ही पैसे लगाते हैं जितना गवर्नमेंट, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं देखता, बल्कि प्राइवेट देखता है. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. नाउ क्या क्या हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर का इंडिया में, बात करेंगे इसके ऊपर. एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन. जनरल एजुकेशन एज इन 5 ईयर प्लान, जब आप शुरू शुरू में पढ़ रहे थे, आफ्टर ये एक रिफॉर्म था हमारे, तो उसमें हमारे दिमाग में था कि हमें क्या करना है, इस पढ़ाई के लेवल को थोड़ा सा एनहेंस करना है, जिसकी वजह से हम लोग 5 ईयर प्लान्स में एजुकेशन को हमेशा से इन्वॉल्व रखते हैं, अलग अलग तरीके से उसको एनहेंस करने की कोशिश करते हैं. एलिमेंट्री मतलब छोटू बच्चा, फ्रॉम 1 to 8 इट्स एलिमेंट्री, देन सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी, सॉरी, एंड देन वी गो फॉर हायर स्टडीज. ओके, नाउ फ्रॉम क्लास 1 to 8 इट्स प्राइमरी एंड मिडिल, इन द एज, वही एलिमेंट्री जिसको बोलते हैं, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, वेयर एजुकेशन इज मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर एवरीवन. आज के दिन पे इसको और बढ़ा दिया गया एनीवेज, जो कि अच्छा खासा बढ़ भी रहा था अभी, पर अगेन फिर कॉलेज में जाते जाते या 12th 10th ड्रॉप करते करते ये जो परसेंटेज है सबके पढ़ने का वो गिरते चला जाता है. तो कैसे होगा? या सी देयर इज अ फॉर्मूला गिवन टू टेक इट अप, व्हाट एलिमेंट्री एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जो आप यूनिटरी से निकाल लोगे परसेंटेज बेसिस पे, इज व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एलिमेंट्री स्कूल के लिए गए, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो 6 से 14 साल के हैं. एलिमेंट्री में 6 से 14 के बच्चे आते हैं ना, तो जितने बच्चे हैं वहां वो लिखेंगे. पूरे कंट्री में कितने 6 से 14 के बच्चे हैं वो लिखेंगे, इनटू 100 अपने आप परसेंटेज निकल करके आ जाए. सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विच इज 9, 10 प्लस 2. ओके, नाउ इसका भी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ आएगा. देखो कुछ स्कूल्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, नवोदय, केंद्र विद्यालय. ओके, ये लोग थे कि एजुकेशन देंगे अच्छे स्टैंडर्ड का रूरल एरिया के बच्चों को. Presently 565 में वेदर स्कूल्स फंक्शन हो रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया केंद्र विद्यालय, ताकि बच्चों को स्पेशली वो एम्प्लॉय जो बहुत ट्रांसफर करते हैं उनको सेम पैटर्न ऑफ स्टडीज, सेम स्कूल मिल सके. करेंटली नंबर ऑफ सेंटर्स इन द स्कूल इज एस्टिमेटेड टू बी 1128, जो कि 2007 में 937 था. ह्यूज, राइट? Then it's higher education. Higher education यानि कि independence की बात से अगर higher education के बारे में हम पढ़ेंगे तो growth तो हुआ है. 799 universities higher education provide करती है हमारे country में, जिसमें से 44 universities हैं. 44 universities
बिसाइड 40 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और बाकी की डीम्ड मतलब मानी जाने वाली यूनिवर्सिटीज है. टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर देखा जाए तो इट्स 39,000 प्लस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 346 लाख, जो कि 15-16 का एक आपको बेसिक ये दिया है, विच इज ह्यूज, काफी बड़ा है, पहले से तो काफी बड़ा है. इट्स वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. फेब्रवरी 1988 में अगर आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये सेकेंडरी एजुकेशन का प्लान. इस प्लान के अकॉर्डिंग पैसे या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस या मदद दी जाएगी, ठीक है, उन स्कूल्स में जहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज 10+2 के इंट्रोड्यूस होंगे. एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीट दीज वोकेशनल कोर्सेज, उनको कम से कम कहीं कमाने का जरिया मिल जाए. 12-13 में परमिशन मिल गया था कम से कम 11,000 स्कूल्स में कि वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं. मैम हम लोग तो अपने स्कूल में नहीं सुने, सुनो क्यों नहीं सुने. 10 लाख स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन मिल रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस. वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं अलग अलग फील्ड्स में. अब पीपल कैन चूज देयर यू नो स्पेसिफाइड फील्ड एंड देन दे कैन स्टडी इट अप. देर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखेंगे, ये चैप्टर आज के आज कंप्लीट हो जाएगा. टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन. नाउ लुक एट इट, सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एम्पावरिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड. देखो इंडिपेंडेंस के पहले प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि हम सब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीजों के बारे में सोचते थे, अलग अलग यू नो ड्रॉबैक्स निकालते थे एजुकेशन सिस्टम का ये. बट जैसे हमें पता चला कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ्स एंड हम सबको उसको साथ में लेके चलना है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज विद डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन केम अक्रॉस एंड आगे चल करके बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश भी किया. 1951 में 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे, नंबर इंक्रीज होके 1914 हो गया, 1900 प्लस, 2000 अराउंड. ये सारे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नंबर्स, एडमिशन कैपेसिटीज और इन सब के डेटा आपके सामने आपके स्क्रीन पे हैं, व्हिच यू कैन ऑब्वियसली सी कि डिफरेंट फील्ड्स में लोग आ रहे हैं, डिप्लोमास एंड यू नो डिग्रीज ले रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ. दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वी आर सीइंग सो मेनी इंस्टीट्यूशंस कमिंग अक्रॉस गिविंग डिग्रीज, पीपल गोइंग देयर स्टडीइंग, growing their knowledge and of course doing something for the country. Rural education, now this is a very very important and vital topic. Urban education ya fir log shehar mein agar aap dekho to padhte hi hain, aate hi hain, general normal middle class family bhi pad lete hain. Rural education thoda sa complicated hota hai kyunki abhi bhi kahin na kahin wo pichde piche hai. Rural areas have also witnessed wide expansion of education. Of course government ne kafi sare initiatives liye hain. नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल सेटअप हुआ है इस पर्पज के लिए. 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग. चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो मतलब SC ST OBC जनरल कैटेगरीज का तो राम मान आप सुनते ही आ रहे होंगे, आपको पता है उनके लिए कितना सारा कुछ, जनरल के लिए नहीं बाकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफी सारे यू नो रिलैक्सेशन एंड एवरीथिंग. अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, देखो आई डोंट नो क्यों उसको सिल्वर लाइन किया जाता है, बट ऑलवेज दिस हैपेंस. इन ऑर्डर टू इराडिकेट इलिटरेसी, मतलब इराडिकेट का मतलब होता है हटाना, ओके, अवॉइड, अडल्ट्स अमंग अडल्ट्स स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. जो लोग यू नो मैरिज हो जाता है उनका एंड दे कांट स्टडी, उनके लिए फिर से अगर वो रिज्यूम करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, वुमेन्स अडल्ट्स, तो वो कर सकते हैं. उसके लिए यहाँ पे मिशन सेटअप हुआ था, एजुकेशन प्रोग्राम सेटअप हुए थे ताकि एटलीस्ट जो यूथ कहीं ना कहीं भटक सकता है वो वापस से राह पे आ सके, वापस से ट्रैक पे आ सके. टोटल लिटरेसी कैंपेन, नाउ व्हाट इज इट, नेशनल लिटरेसी मिशन जो अभी अपने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा, वो क्यों था, ताकि लिटरेट नंबर्स बढ़ा सके, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द कंट्री उसको एनहांस कर सके, राइट? दिस प्रोग्राम हैज नाउ बीन रीकास्ट एज साक्षर भारत विद सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन. द प्रोग्राम कवर्स ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव. क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन समवेयर और द अदर रोक दिया जाता है, कहीं ना कहीं किसी पर्पज के लिए उसको यू नो
डिम लाइट से हटा करके उसको पीछे रख दिया जाता है. व्हाई? फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद एनी सिंगल थिंग, विद बुलशिट रीजंस. सो ऑफ कोर्स मिशंस वेयर अकम्प्लिश्ड, यू कैन सी दिस, देयर आर डेटा. एजुकेशन क्या अभी भी चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है? द आंसर इज यस, इट इज. अगर आप देखो तो एजुकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस लोगों का पहले से तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया. इट्स ट्रू, इट्स लाइक या बट बैकड्रॉप अगर आप देखो तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के अनुसार क्या एजुकेशन रेट उस हिसाब से बढ़ रहा है? इट इज एनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96.5% चिल्ड्रन आर नाउ स्कूल गोअर्स. लेकिन Despite the constitution provisions for free and compulsory education for children between the age of 6 to 14, quality of education and infrastructure continues disappointing. What can you see in a government school? Can you find proper infra? Can you find proper teachers giving like teachings and education? 3 years ago, I guess, 3-4 years ago, there was a girl, Ruby. One more guy. They got from Bihar board a huge percentage, huge. अगर उनका न्यूज रिपोर्टर्स जाकर के पर्दाफाश नहीं करते तो उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता, वहां भी धांधली करके अगर आगे निकल जाते तो तुमको नहीं लगता कि जो सही में केपेबल है उनको सीट्स ना मिलके उनको सीट्स मिलते, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई. ओके, इट्स बीन one survey jahan pe pata chalta hai ki children continue to be refused admission to school because of the lack of transfer documentation. TC nahi hai, dhang ka birth certificate nahi, iske wajah se unka are school admissions to thoda chodo job chala jata hai. Agar government colleges ki baat karo to ek ek document wo log sambhal ke dete hain, rakhte hain ki humse expect kar rahe hain. Insaan hi hai, ek document idhar se udhar ho sakta hai, todaa denge aapka saal waste kar denge. These are the things happening around and it's true, bitter truth. Large number of illiterates, bhar bhar ke pade hue hain. 36 crore people are estimated to be illiterate in our country. 125 crore ki abadi mein. Ye number population ke sang badhte chala jata hai. Jahan wo gareeb ke gareeb aur unko deprive kiya jata hai alag cheezon se. Pehle to caste fast hota tha na, abhi to education ko lekar ke logo ke man mein superior aur subordinate ka feeling develop hota hai. Inadequate vocationalization. Education continue hota hai. Okay, continues to be largely degree oriented, throwing a million of educated youth down to be corridors of employment exchanges. Agar aap dekho, unko hota na guaranteed employment milta tha. Aapne pehle bhi padha employment exchange cards hote hain, which guarantees 100 employment, 200 is employment, and it's very simple to tell. कि हाँ मिल जाएगा आपको काम. बट कैन यू सी, इमेजिन ग्रेजुएट लोग एमए मास्टर्स करके बीपीओ में काम कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज़ जॉब्स कम है, लोग ज्यादा है. यहाँ पे इनिशिएटिव आना चाहिए, गवर्नमेंट ले भी रहा है, कि लोग आगे चल के खुद का बिजनेस सेटअप करना शुरू करें, तभी कुछ हो सकता है. बिकॉज स्टार्टअप्स अगर फॉर्म अप नहीं होंगे तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? वेयर विल दे गेट, वेयर फ्रॉम? जेंडर बायस, फीमेल मेल, आपको पहले भी पढ़ाया गया है. फीमेल्स को जॉब मिलने में कितनी दिक्कत होती है, जॉब तो छोड़ो, पढ़ाई में कितनी दिक्कत होती है. रेशियो अगर आप देखो तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते फीमेल का प्रेजेंस कम होते जाता है. इफ यू सी लो रूरल एक्सेस लेवल, मतलब हाई डिग्री ऑफ डिस्पेरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, उनको ढंग से एक्सेस अवेलेबिलिटी नहीं होता एजुकेशन का. हाउ विल दिस बी? क्वालिटी देखोगे तो डिग्रेडेड. एक ही कंट्री है ना, मिलना चाहिए उस हिसाब का ना, मजा ले मिल जाए. नहीं, प्राइवेटाइजेशन जब से ये हुआ है तो अफोर्डेबल लोग जो एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं वही अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बाकी गवर्नमेंट स्कूल का तो हालत आप सबको पता ही दिखता ही होगा, है ना. लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है. गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट. इमेजिन दिस इज द थिंग हैपनिंग अराउंड. यस, जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, अगर आप यहाँ पे नहीं एक्सपेंड करोगे तो आई एम सॉरी टू से नथिंग वुड हैपन, कुछ नहीं हो. इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स एंड एवरीथिंग विल गेट बाय टुडे, वीडियो भी आपको मिल जाएगा.
मैं बोलना आपको छोड़ दी हूँ, थक गई हूँ आपको बोल बोल के। अब मैं बोल भी, मतलब यू नो इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम लाइक इफ आई एम गिविंग यू वीडियोस, गिविंग नोट्स, प्रोवाइडिंग एवरी सिंगल थिंग एंड देन इफ पीपल आर नॉट स्टार्टिंग, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? लाइक क्या एक्सपेक्ट कर लिया मैंने आप लोगों से? कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया? कुछ बहुत ज्यादा मांग मांग लिया? ऐसा कुछ हो गया? कोर्स नॉट, राइट? डोंट डिसअपॉइंट मी इन दिस वे। इफ आई स्टॉप गिविंग वीडियोस, व्हाट हैपन? व्हाट विल हैपन? डोंट डू दिस थिंग्स। फोकस, पढ़ो। नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं K+ के भी। यू कैन गेट अकेडमिक स्कॉलरशिप्स, यू कैन गेट अपने ट्यूशन फी में काफी बड़ा लेस अमाउंट। आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, यूज। थैंक यू।